किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है जिसमें रिसर्चर्स एनालिस्ट अपने अपने रिसर्च को अपनी अपनी एनालिसिस को सामने रखते हैं और उसी बेसिस पर एक डेटा प्रिपेयर किया जाता है और डेटा प्रिपेयर करने के बाद उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या होने वाली है या आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म में एनुअल या क्वार्टरली बेसिस पे उसका क्या ग्रोथ रेट रहने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है कंट्री के इकोनॉमिक के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा पैमाना बन जाता है जिसके बेसिस पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका कैसा होने वाला है ये डिपेंड करता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत पॉजिटिव निकलता है तो बहुत सारी कंपनियां एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं, आपकी कंट्री की तरफ देखती हैं और आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती हैं। 1980s के समय में एक उस समय कहा गया था, प्रिडिक्ट किया गया था कि जापान की सेंचुरी होने वाली है और चाइना उस लेवल का ग्रोथ नहीं करेगा जिस हिसाब का जापान करेगा। जो प्रिडिक्शन बाद में जाकर गलत हो गई, या यूं कह लें कि थोड़ी सी चेंज हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट आपका काफी इधर से उधर हुआ। ये बोला जा रहा था कि जापान में इन्वेस्टमेंट शायद कम है, उल्टा हुआ 1990s आते आते इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ काफी बढ़ी। इस चीज को लेकर ये जो चेंजेस आए, या यूं कह लें कि इकोनॉमिक्स प्रिडिक्शन में जो प्रॉब्लम आई, ये आज की नहीं है, ये कई बार हो चुका। नतीजा ये हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर चिंतित हुआ कि भाई इसका वे क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम इकोनॉमी के ऊपर सोचना, रिसर्च करना और किस हिसाब से इकोनॉमी जा सकती है ये सजेशन देना। इसमें पर्टिकुलरली जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो अपनी रिसर्च एनालिसिस सामने रखते हैं मेंबर कंट्रीज के, ताकि उनका ग्रोथ प्रिडिक्शन सही हो सके और ताकि वो सही इन्वेस्टमेंट को कर सके। जिनेवा में इसका सेंटर है, 24 जनवरी 1971 में इसको बनाया गया। ब्रिक्स की बात सामने आनी स्टार्ट हो चुकी थी, ये ग्रुपिंग जो होने वाला था ब्रिक्स, तब ब्रिक ही था, तब एस नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं था लेकिन ब्रिक था। तो उसी बेसिस पे एक बात आती है कि भाई इन कंट्रीज की इकोनॉमीज कैसे डेवलप करेंगी, क्योंकि अगर ये एक ग्रुप में जा रहे हैं तो इनकी इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी वो भी बहुत डिपेंड करने वाला है इनके बीच की बॉन्डिंग। 2004 आते आते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये मिलकर एक रिसर्च एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। उस रिसर्च एनालिसिस, या यूं कह लें कि इकोनॉमिक प्लानिंग का नाम दिया गया सिनेरियो प्लानिंग, सिनेरियो प्लानिंग एक्सरसाइज। ये किसके लिए था? ये ब्रिक्स कंट्रीज के लिए था कि इनकी इकोनॉमी किस हिसाब से जाएगी। जब तक अभी तक क्या होता था कि हमेशा ही इकोनॉमिक प्लानिंग या इकोनॉमिक प्रिडिक्शन इस बेसिस पे होता था कि आपने डेटा प्रिपेयर कर लिया और आप उस चीज को सामने रख दिए। लेकिन इस एक सिनेरियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो था चेंजेस इन द सिस्टम। तरीके में चेंज किया गया कि अब सोशल प्लानिंग, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है उस कंट्री की, और उसके साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है इकोनॉमी के ऊपर, इस चीज को भी कंसीडर किया जाएगा सिनेरियो प्लानिंग के अंदर। और उसी बेसिस पे इन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से हाथ मिलाया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑलरेडी इस चीज के ऊपर एक काम कर चुकी थी, एक सर्वे कर चुकी थी 2000 के आसपास, तो उनको एक अच्छा आइडिया था कि इंडिया की इकोनॉमी किस हिसाब से बढ़ने वाली है। अब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्या है? ये भी एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जिसमें अलग अलग तरह के बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और दूसरे जो लीडर हैं सोसाइटी के, वो एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और डिस्कशन करने के बाद कुछ मुद्दों के ऊपर वो अपनी पॉइंट्स को सामने रखते हैं। अब इसी बेसिस पे इन्होंने अपनी जो रिजल्ट्स था उसको बाहर किया।
जो रिजल्ट आया उसका नाम रखा गया, जो रिपोर्ट आई उसका नाम रखा गया इंडिया एंड द वर्ल्ड सिनेरियोस टू 2025। 2005 में ये रिपोर्ट आ गई थी और उस समय इंडिया शाइनिंग का नारा दिया जा रहा था ताकि इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे थे कि उस समय का दौर जो था उसमें इंडियन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के हिसाब से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, और इसलिए वेस्टर्न इन्वेस्टर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे और उसी बेसिस पे इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया। अभी जो रिपोर्ट थी उसमें तीन सिनेरियो सामने रखा गया। पहला सिनेरियो का नाम दिया गया बॉलीवर्ल्ड। बॉलीवर्ल्ड क्या था? अगर ये सिनेरियो देखा जाए तो उस समय का रिजल्ट आज की कंडीशन से बहुत ज्यादा मैच करता है। बॉलीवर्ल्ड में बहुत क्लियरली बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी किस तरफ से आगे बढ़ेगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी खुल चुकी थी 1992 में ही, और ओपन होने के बाद इन्वेस्टमेंट काफी हाई हो रहा था, प्राइवेट जो कंपनियां थी वो इन्वेस्ट कर रही थी, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा था और यंग लोगों के अंदर एक वेल्थ कमाने का या धन कमाने का एक उत्तेजना जागृत हो चुकी थी। और करेंटली अगर आप देखोगे तो ये सिनेरियो कुछ हद तक प्रेजेंट सिनेरियो से भी मैच कर रहा है। उस समय का बताया हुआ सिनेरियो, उस समय का रिजल्ट आज के सिनेरियो से बहुत मैच करता है। और उसी चीज के ऊपर अगर आप देखोगे तो चूंकि 1% ही बहुत जो 1% जो लोग थे इंडिया में वो बहुत वेल्दी हो रहे थे, बाकी 99% की कंडीशन उस लेवल की नहीं हुई। जब उस लेवल पे बढ़ना स्टार्ट हुआ तब आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी आता है, और अर्बन एरिया से लेके रूरल एरिया तक एक वॉयलेंस की टेंडेंसी, एक क्राइम की टेंडेंसी होनी स्टार्ट हो चुकी थी, और वही सिनेरियो आज के समय में आप प्रेजेंट मोमेंट में ये फील कर सकते हैं। इसी का नाम दिया गया बॉलीवर्ल्ड। ये उस समय की रिपोर्ट थी, आप सोच सकते हो 2005 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। दूसरा जो सिनेरियो दिया गया वो था, उसका नाम रखा गया अटकता भारत। ये बता रहा था कि कैसे इकोनॉमी इनइक्वेलिटी और इनसिक्योरिटी गवर्नमेंट को मजबूर करेगी कि आप एक कड़ा कंट्रोल लें, एक सिक्योरिटी के लिए आप कंट्रोल लें, इकोनॉमिक में आप एक लार्जर रोल अदा करें, लेकिन लार्जर रोल आप अदा करेंगे विदाउट एनी एडिक्वेट रिसोर्सेस। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या होगा कि डेमोक्रेसी के ऊपर फिर डिफिकल्टी होगी, नतीजा ये होगा कि आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे रुकनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो सिनेरियो उस समय बताया गया था आज कुछ हद तक आप काफी सिमिलैरिटी पा सकते हैं। दोनों ही थ्योरी, जो फर्स्ट सिनेरियो कहा गया बॉलीवुड और दूसरा जो अटकता भारत कहा गया, दोनों में ही जो थ्योरी ऑफ चेंज रहा वो टॉप डाउन अप्रोच रहा। अब टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है ऊपर से कुछ पॉलिसीज बनी लीडर्स ने, बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने, बिजनेस चेयरपर्सन ने, तो इन लोगों ने अपनी एक थ्योरी बनाई या पॉलिसीज बनाई और वो नीचे की तरफ आनी स्टार्ट हो गई। इन दोनों ही अप्रोच में टॉप डाउन अप्रोच रहा। तीसरा जो सिनेरियो उन्होंने रखा वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अट्रैक्टिव रहा। तीसरे सिनेरियो में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही गई, लोकल लीडर्स जो रहेंगे वुमेन की वो अपना क्रिएट करेंगे, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव फॉर वाटर कंजर्वेशन बनेगा, और डेयरिंग फार्मिंग ये सारी चीजें बढ़ेंगी, और जो प्रॉफिटेबल बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो लोकल लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और लोकल लेवल पे कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे। अब इन सारी सिनेरियो में जब लोकल आप यूज करते हो ना, तो मतलब आप हर एक कम्युनिटी से या हर एक जगह पे एक स्पेशलाइज तौर पे चीजों को उभारने की कोशिश कर रहे हो, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है अगर वो डूबती है तो बहुत सारे एम्प्लॉय को लेकर डूबती है, लेकिन अगर छोटी छोटी 10 कंपनियां हैं तो क्या होगा, एक कंपनी डूबेगी 9 तो फिर भी बची रहेगी। तो ये ग्रोथ का पैमाना जो लोकल लेवल पे रखा गया ये काफी अच्छा रहा, और इसी का नाम दिया गया पहले इंडिया। ये इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटली और सस्टेनेबल रहा, दोनों के हिसाब से अच्छा रहा। ये सिनेरियो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है,
और करंट सिनेरियो अगर आप करंट सिचुएशन में देखें तो बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो सामने आ रहे हैं, जो छोटे छोटे कस्बे में या छोटे छोटे लेवल पे काम करना स्टार्ट किए हैं, जो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अट्रैक्टिव हैं ग्रोथ के लिए। इस थर्ड सिनेरियो का नाम दिया गया पहले इंडिया। 2006 में जब इस सिनेरियो को ग्लोबल लेवल पे ले आया गया और उस समय एक ग्लोबल रिसेशन भी चलने लगा था, अगर आप लोग को याद हो 2007-2008 का जो समय रहा उसमें ग्लोबल रिसेशन आया, और तब G7 ने भी अपने आप को इनलार्ज करते हुए G20 की तरफ बढ़ा, है ना। ये एक ऐसा पार्ट था जहां पे G7 ये कहने पे मजबूर हुआ कि टू लार्ज टू फेल, यानी कि कोई भी बहुत बड़ी चीज है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें अगर 1000 एम्प्लॉई हैं, वो कंपनी अगर डूबेगी तो सबको लेकर डूबेगी। तो उससे बेहतर है कि आप छोटा छोटा स्टार्ट करो, छोटी छोटी कंपनियां रहें जो एट लास्ट अच्छा वर्क भी करेंगी, और अगर कोई एक डाउन होता है तो कम से कम कुछ कंपनियां तो ऊपर रहें। अगर आप सिनेरियो तीनों सिनेरियो को देखेंगे तो बॉलीवर्ल्ड हुआ या अटकता भारत हुआ, अटकता मीन्स रुकावट, स्टॉलिंग इकोनॉमीज, ठीक है। बॉलीवुड का अगर आप देखोगे टॉप डाउन अप्रोच आज भी है, वेल्थ ड्रिवेन और इकोनॉमिक ग्रोथ इस ढंग से कि हमें सिर्फ पैसा पैसा पैसा, तो सारी दूसरी चीजों को दांव पे लगाते हुए आप पैसा जब ऊपर ले जाते हो तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आप नहीं बढ़ते। नतीजा क्या होता है, फिर कुछ रिएक्शनरी फोर्सेस भी आती हैं। रिएक्शनरी फोर्सेस जिसको हम लोग कह रहे हैं अटकता भारत, वो इकोनॉमीज को थोड़ा सा स्लो डाउन करती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या आता है, तो इसका सॉल्यूशन आता है कि आप कितना बेहतर ढंग से लोकल लेवल पे काम करना स्टार्ट करते हो। हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अब उसमें एक ये पूरा टॉपिक भी स्टार्ट कर चुके हैं, इतना समय भी दिए, तो इसका एक मेन मकसद था कि G20 ग्रुप का चेयरमैनशिप अभी इंडिया को मिला है इसी नवंबर में। इसके पहले इंडोनेशिया के पास था, 16 नवंबर के बाद इंडिया इंडिया के पास है, ठीक है। अब इंडिया के पास अगर आया है तो ऑब्वियसली आप कुछ चीजों को लेकर आगे बढ़ोगे। इस ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा जान लो, इसमें टोटल 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, टोटल 20 20 मेंबर्स हैं, और इसी बेसिस पे इसको कहा जाता है G20। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंटरनेशनल कंडीशंस की बात करें तो इस ग्रुप की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कंट्रीज एंड इकोनॉमिक कवरेज बहुत हाई है। ये कंट्रीज हैं G7, आप देख लो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जो बाद में एक्सपैंड हुआ तो G20 बना। आप इन कंट्रीज का नाम याद रख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछा भी जाता है क्वेश्चंस में। आई एम सॉरी, G20 आप होस्ट कर रहे हो, तो होस्ट कर रहे हो तो फिर आपको कुछ मुद्दों को रखना पड़ेगा क्योंकि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जिसको इंडिया को प्रमोट करना पड़ेगा, और वही जो रिपोर्ट जैसे कहती है कि लोकल सिस्टम सॉल्यूशन आप दो एनवायरमेंट और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए। लोकल सिस्टम, लोकल लेवल पे आप कोऑपरेशन स्टार्ट करो, और कम्युनिटी का कोऑपरेशन जितना अधिक होगा उतना बेहतर कंट्री ग्रो करेगी। इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा और इस चीज को हमें प्रमोट भी करना होगा कि जितना अधिक हो सके लोकल लेवल पे स्टार्ट किया जाए चीजें, वहां के आम लोग जो हैं, आम नागरिक उसमें इन्वॉल्व हों, छोटी छोटी कंपनियां इन्वॉल्व हों, तब जाकर आपका ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा और बहुत बड़े लेवल पे होगा, सस्टेनेबल लेवल पे, नॉट एग्जैक्टली बड़े लेवल पे, सस्टेनेबल लेवल पे होगा। और दूसरा, आपको गांधीयन अप्रोच अपनाना होगा, और पहले इंडिया जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, गांधीयन एंड पहले इंडिया को आपको एक रियलिटी में डालना पड़ेगा, तभी आप एक अप्रोच को ले आ पाओगे और तभी आपकी इकोनॉमी बेहतर ढंग से चल पाएगी। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जोर दे सकूं। हम एडिटोरियल, हिंदू एडिटोरियल पे कंटिन्यूअस चर्चा करते रहेंगे, और ये टॉपिक अगर बेटर लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।